Hello friends, welcome to my channel that is blessed with a baby. चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही हेल्दी है और 5 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। इसके लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स, दूध और काजू। कितना कॉर्नफ्लेक्स चाहिए आपको? एक बार के लिए आप 3 स्पून कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए। अब हमें इस कॉर्नफ्लेक्स को हाथ से बहुत ही बारीक बारीक टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस में पीसना है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 6 मंथ से बड़े बच्चे के लिए खिला रहे हैं इसे, तो 6 मंथ प्लस वाले के लिए आप इसे मिक्सी में भी पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं। और अगर मैं इसे 9 मंथ या 1 ईयर एबव बच्चे के लिए कर रही हूँ, तो मैं इसे हाथ से ही क्रश करूँगी, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी सही रहती है एक बच्चे, बड़े बच्चे के लिए। वरना बहुत ज़्यादा पतला होगा तो बच्चे को बिल्कुल पतला पतला खाने की आदत पड़ जाती है। मैं हाथ से उसे क्रश करूँगी ताकि छोटे छोटे इसमें दाने रह जाएंगे। ये देखिए, इस तरह का मुझे इसे करना है। अब ये क्रश हो गया है, इसमें मैं एक बड़ा कप मिल्क डालूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग भी मिल्क डाल सकते हो, जितना आपको डालना है, पर मैं पहले इसे बनाने के लिए सिर्फ एक बड़ा कप मिल्क डालूंगी। देखिए, मिल्क को मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर रख देती हूँ गैस पे, और इसमें मैंने हाफ स्पून शुगर डाली है। बच्चे के लिए कुछ टेस्ट होना चाहिए, इसे 1 ईयर प्लस के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैंने हाफ स्पून शुगर डाल दी है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल करना है कि जब तक ये धीमे धीमे बॉयल होगा तो इसमें जो कॉर्नफ्लेक्स है वो पक भी जाएगा और थोड़ा बहुत फूल भी जाएगा। देखिए, ये बॉयल होने लगा है। जैसे ही आपका ये कॉर्नफ्लेक्स बॉयल हो जाएगा, हम गैस को ऑफ कर देंगे, और ऑफ करने के बाद इसे हमें रखना होगा अप्रॉक्स 30 मिनट्स के लिए, ताकि अच्छे से ये दूध में फूल जाए। तो मैंने इसे 30 मिनट्स के लिए प्लेट से ढक कर रख दिया है। और अब देखिए, 30 मिनट्स बाद जब मैं इसे देखूंगी तो ये फूल चुका है। देखिए, ठंडा भी हो गया और साथ में और फूल भी गया है दूध में। पहले ये दूध में इतना गाढ़ा नहीं था जितना अब, ये आप देख सकते हैं कि अब दूध में कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है और ये खाने लायक रेडी हो गया है। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। मैंने इसमें सिर्फ अभी गर्मियों के टाइम पर काजू ही लिए हैं। काजू को मैं किसी भी कद्दूकस से मैंने लिया हुआ है। आप किसी छोटे वाले कद्दूकस से भी इसे क्रश कर सकते हो, बस आपको इसको पाउडर फॉर्म में क्रश करना है, ताकि मैं इसे इसमें मिक्स कर दूंगी। तो आप ठंडियों में बादाम भी आते मिक्स कर सकते हो, और भी ड्राई फ्रूट मिक्स कर सकते हो। मैंने इसमें अभी सिर्फ काजू किया है। तो देखिए, ये पतला पतला कितना बारीक बारीक हो गया है। और अब मैं इसे जितना भी काजू का पाउडर है ये इसमें मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि ये और हेल्दी हो जाएगा। कॉर्नफ्लेक्स आपके बेबी के स्टमक के लिए बहुत सही रहता है, ताकि स्टमक आपका एक कूल फीलिंग आएगी गर्मियों के टाइम में। और काजू आपके लिए थोड़ा सा हेल्दी होगा, दूध तो ऑलरेडी बच्चा पसंद करता है, थोड़ी सी मैंने इसमें शुगर मिला दी है। अब सब कुछ मिलाने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जिससे एक 1 ईयर प्लस बेबी के लिए एक अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।